standing asanas. We'll start with Tadasana. Chalo, stand up everybody. Priyanka, stand. Priya, stand up. Yes. Legs together. दोनों पैर एक साथ रखिए, हाथ आपकी साथ रखिए साइड. अभी ब्रीथ लेते हुए दोनों हाथों को आगे से ऊपर उठाइए. यस, जस्ट इंटरलॉक एंड स्ट्रेच अप. अच्छे से ऊपर स्ट्रेच करना, हो सकता है तो आपकी हील्स को ऊपर कीजिए. अगर तकलीफ हो रहा है तो हील्स को नीचे रखिए. पैर को दोनों एक साथ रखिए. उसके जस्ट गो फॉर 5 to 10 काउंट. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, दोनों हाथ ऐसे इंटरलॉक करके रखिए. दोनों हाथ इंटरलॉक करके रखिए. ऐसे आपकी साइड में, आपकी राइट साइड में बेंड कीजिए. वेरी गुड. 1, well done. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And breathe home, straight हो जाइए. Yes, breathe out, opposite side. आपकी left से, very good. आपसे जितना bend होता है उतना ही कर लीजिए. Heels को ऊपर करना है चलेगा, अगर नीचे रखना है तो भी चलेगा. Just bend to the side बस. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. बस stand, breathe in. सीधा हो जाइए, come straight. अभी उसके बाद में पादहस्तासन. तो पादहस्तासन में आपको मॉडिफिकेशन है. अगर आपके पास चेयर है तो आप चेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप वॉल सपोर्ट से भी कर सकते हैं. इनको कुछ बैक पेन का इश्यूज नहीं है, यू कैन गो फॉर फुल बेंच. अगर आपको कुछ इश्यूज है तो हाफ बेंच करेंगे. ब्रीदिंग एंड दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाए. फिर ब्रीथ छोड़ते हुए आगे झुकना, मतलब फॉरवर्ड. कैसे आपकी हिप्स को पीछे की साइड देखिए एक बार. हम सीधे से इसको पीछे, आपकी बैक को पीछे पुश करते हुए पूरे बॉडी को पैकिंग कीजिए. अगर चेयर या वॉल है तो आप इसको पुश करके पूरे बैक को पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं. हाथ को आगे स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसे. और हेड को इस पोजिशन में थोड़ा सा ऐसे लिफ्ट करके सामने देखिए. शायद आपको समझ आ रहा है. या पूरे बैक को, बटक को पीछे की साइड स्ट्रेच कीजिए. पुश योर बैक backward, हाथ और चेस्ट को फॉरवर्ड. योर हैंड्स एंड चेस्ट एंड हेड फॉरवर्ड. बैक में छोटा सा कर्व करके हेड को अप करो. ऐसे हेड को अप कीजिए, स्पाइन में पूरे अच्छे से स्ट्रेच मिलेगा, आपको आराम भी मिलेगा. ऐसे हेड को ऐसे करके रखिए. वेरी गुड सर. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And very good. Breathing in, go straight, straight inside. Breathe out, breathe out. Yeah, hands down. And now Ardha Chakrasana. पैरों के बीच में गैप रखिए. हाथ पीछे सपोर्ट के लिए ऐसे रखिए. ऐसे नहीं पकड़ना, पूरे बैक सपोर्ट के लिए ऐसे पांच रखिए. अब ब्रीथ लेते हुए धीरे से पीछे की साइड बेंड कीजिए. पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन रखिए. पूरे आपकी नी जॉइंट को स्ट्रेट करो. नीज को बेंड नहीं करना. हिप से और हेड और चेस्ट को पूरे पीछे ले जाइए. कुछ वन केदार. वेरी गुड. हेड को भी पीछे बेंड कीजिए. बेंड योर हेड एंड नेक बैकवर्ड. वेरी गुड. हेड एंड नेक बैकवर्ड. 3, well done. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड. ब्रीदिंग आउट. यस, जस्ट कम बैक एंड रिलैक्स योर हैंड्स एंड रिलैक्स. 2, 3 डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट. After this is tree pose. अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आप सपोर्ट लेके कर सकते हैं. अगर कुछ तकलीफ नहीं है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं. आपकी राइट लेग को उठा के लेफ्ट साइड पर रखिए. राइट लेग आप राइट हील अपवर्ड एंड टोस डाउनवर्ड. ऐसी पोजीशन कीजिए कि जो पूरे पाम है ना, यहाँ से जस्ट प्रेस इट अगेंस्ट द थाई. ऐसे हल्का से रखने में आपको बैलेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए यू हैव टू गिव अ स्लाइट प्रेशर. अभी दूसरे पैर है ना, इसको पूरे नीचे दबा के रखिए. जो आपकी लेफ्ट लेग है नीचे की साइड प्रेस करके रखिए. एंड नाउ ब्रीदिंग इन. हाथ साइड से उठाइए. अभी सर के ऊपर नमस्कार में जस्ट जाइए. पाम्स ओवर द हेड एंड नमस्कार. स्टे देयर.
अभी इधर क्या करना, हम हमेशा ऐसे रुकते हैं, इसमें पूरे शोल्डर को भी ऊपर की साइड स्ट्रेच कीजिए, आपकी जो कमर है जो हिप है इसको पूरे आपकी डायफ्राम में सबको ऊपर की साइड खींचिए, स्ट्रेच स्ट्रेच आप कुछ 3 वेरी गुड 4 इस 5 6 वेल डन 7 यस 8 9 10 ब्रीदिंग आउट। पहले हाथ को नीचे ले जाइए, योर हैंड्स डाउन फर्स्ट एंड योर लेग डाउन, यस एंड नाउ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। जो पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो प्लीज बेयर मी, क्योंकि काफी न्यू मेंबर्स भी है इसलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा देनी पड़ रहा है, तो जस्ट विल डू स्लोली टुडे, ठीक है। तो लेफ्ट लेग अप, लेफ्ट हील अप एंड टोस डाउन, यस, और हिप्स को एकदम स्ट्रेट कीजिए एंड देन ब्रीदिंग इन, हैंड्स अप, हैंड्स अप, जस्ट एक्सटेंड योर बॉडी अपवर्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अभी थोड़ा आराम कीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। कोई के लोग ने, सम ऑफ यू हैव बीन डूइंग लाइक दिस, ओके, दिस इज द अनदर एडवांस लेवल, तो वो बेसिक लेवल, इफ यू आर गोइंग फॉर थेरेपी इट्स ऑलवेज बेटर, कीप इट हियर, थोड़ा सा पुश कीजिए इधर, तो ये पैर से आपकी टाइट पे थोड़ा प्रेशर देके पुश कीजिए, तभी आपकी बैलेंस अच्छे से हो जाएगा। तो ये इसकी एडवांस लेवल में होता है, आपकी बैलेंस अच्छा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोज, आई विल गो फॉर त्रिकोणासन, त्रिकोणासन इज गुड फॉर बैक पेन ऑल्सो, वी कैन हैव अ ट्विस्ट ऑल्सो एट द स्पाइन, पैर साइड खोल दीजिए, ब्रीदिंग इन, हैंड्स टू शोल्डर लेवल, हाफ शोल्डर लेवल कीजिए, फिर पूरे ऊपर से ये पुश कीजिए, आपकी लेफ्ट हैंड इसको राइट साइड ले जाइए, राइट हैंड को लेफ्ट साइड, आप ब्रीथ छोड़ दीजिए, यहाँ से बेंड कीजिए, आपसे जितना होता है उतना बेंड कीजिए, अगर आपको बेंड करने में तकलीफ है तो स्टैंडिंग में ही रुक जाइए, वेरी गुड, यस सर, रुक जाइए, जस्ट होल्ड होल्ड हियर, बेंड राइट एंड हॉल्ड, ब्रीथ, डीप ब्रीदिंग ले लो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, very good, breathing in, come stretch and twist towards the left, अभी आपकी right hand को left ले जाइए, यहाँ से bend कीजिए, 1, ऐसा करो, 2, आपसे जितना bend होता है उतना ही कर लीजिए, 3, very good, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, very good. Breathing in, come straight and breathing out, hands down, hands down. The next one, wide leg forward bend. This is a modification. पैरों को साइड छोड़ना, अब देखिए पहले बात नहीं करेंगे. Breathe in, यहाँ से वाइज योर हैंड्स आउट, ब्रीदिंग आउट, जैसे पहले फॉरवर्ड बेंड किया ना ऐसे ही हाफ बेंड करना है. सी अगेन, हिप्स को पीछे की साइड पुश कीजिए, बॉडी को आगे की साइड, अगर आपके पास कुछ चेयर और दीवार होगा तो इट्स बेटर टू टेक सपोर्ट, यू कैन जस्ट एक्सटेंड योर आर्म्स, पूरे अपर बॉडी को फ्लैट करके जस्ट हेड को अप करके रखिए, आपको स्पाइन में भी स्ट्रेचिंग हो जाता है, अगर आपकी पेट में भी बहुत पेट पतला करने के लिए भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, बना तो पूरे जो अब्डोमिनल मसल्स को अंदर से ऊपर खींचिए और पूरे स्ट्रेच करना, बैक को पेट में और हैंड्स को हेड को आगे, हेड को ऐसे आगे, इसके बाद वेरी गुड, हैंड रुक जाना, जस्ट बेंड डाउन एंड स्टे, 3, इफ यू टेक अ सपोर्ट इट्स फाइन बेटर, 5, वेरी गुड, 6, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड, 7, वेल ब्रीदिंग इन, धीरे से स्ट्रेट हो जाइए, यस, ब्रीथ आउट एंड योर हैंड्स डाउन, हैंड्स को नीचे कीजिए, इसमें आपकी नीज को हिप्स को सब टाइट करना और पेट मसल्स को है ना अंदर से ऊपर खींचना, यू हैव टू पुल योर अब्डोमिनल मसल्स अपवर्ड एंड यू कैन आफ्टर दैट यू कैन जस्ट रिलैक्स योर थाई मसल्स एंड कफ मसल्स। सो आफ्टर दिस वी बी गोइंग फॉर नटराजासन, जिनको नी पेन है वो अवॉइड कीजिए, ठीक है, बाकी सब कर सकते हैं। चलिए रेडी, लेग्स अपार्ट, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए, यस,
आपको सपोर्ट चाहिए तो आप सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं, जो बिगिनर्स है तो आज ही कर रहे हैं, आप आराम से चेयर और वॉल सपोर्ट ले लीजिए। फिर राइट लेग को पीछे से ऐसे फोल्ड करके राइट हैंड से पकड़िए, राइट हैंड में और राइट फुट को ऐसे पकड़िए, दूसरे हाथ से आप सपोर्ट ले। अगर आप पहले से ही करते हैं तो ऊपर कीजिए, अभी कर रहे हैं तो यहाँ से सपोर्ट लीजिए, अभी इसको पीछे से छोड़ दीजिए, बैक में छोटा सा कर्व करके नेक को अप कीजिए, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रेट हो जाइए, ब्रीथ आउट, रिलैक्स कीजिए, आराम से करना। आपको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट लेना, इसमें सिर्फ बैक बेंड और स्ट्रेचिंग को ये जरूरी है। अभी लेफ्ट को पीछे से फोल्ड कीजिए, पकड़िए, यस, अभी पीछे से खोल दीजिए, कमर पर थोड़ा सा स्ट्रेच करके, जैसे यहाँ पे आपको दिखता है ना थोड़ा सा आगे की बेंड दिखता है, और हेड को पीछे करना, तभी आपकी स्पाइन में अच्छी सी स्ट्रेचिंग हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड, ब्रीथ इन, गो स्ट्रेट एंड ब्रीथिंग आउट, धीरे से रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए, पूरे बैक स्ट्रेट रखिए, पैर को वन बाय वन फोल्ड कीजिए, नीज को एक ऊपर एक नीचे करके रखिए, पूरे बॉडी स्ट्रेट रखिए, आपकी शोल्डर को भी पीछे कीजिए, वेरी गुड, हाथ को एक ऊपर से दूसरे नीचे से कमर के पीछे से ऐसे इंटरलॉक लगाइए। अगर आपको लेंथ की प्रॉब्लम हो रही है एक दुपट्टा और एक स्कार्फ से आपके पास से मैचिंग है तो अच्छे से ऊपर नीचे पुल करना, खींचना, कीप योर हेड स्ट्रेट, हेड स्ट्रेट करके, वेरी गुड, वेरी गुड, वन, सिर्फ आपकी स्पाइन स्ट्रेट होने का, 3 4 5 6 7 8 9 10 breathe in, सीधा हो जाइए, breathe out, हाथ और उसके बाद में पैर रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स योर हैंड्स एंड लेग एंड रिपीट द सेम ऑन द अपोजिट साइड, पूरी बैक स्ट्रेट रखिए, वेरी गुड, एंड नाउ ब्रीथ इन, द अदर हैंड फ्रॉम आप दूसरे हाथ ऊपर से ले लीजिए, रिपीटिंग साइड इंटरलॉक लगाएंगे, सीधा देखिए, हेड स्ट्रेट रखिए, चेस्ट अप कीजिए, पूरे स्पाइन में आपको फुल स्ट्रेच होने, गुड, वन, डीप ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड, ब्रीथ इन, ब्रीथिंग आउट, धीरे से रिलैक्स हो जाइए, पैरों को भी स्ट्रेट कीजिए धीरे धीरे। अभी पश्चिम उत्तानासन देखेंगे, आप एक बार देख लीजिए, बात करेंगे पैर स्ट्रेट करना, तो नॉर्मल वाला में हम इतना तक बेंड करते हैं, अगर किसी को बैक पेन की वजह से फॉरवर्ड बेंड नहीं होता है ना, उनको क्या करना है, ब्रीथ इन करके हाथों को उठाना, अभी अपर बॉडी को ऐसे ही स्ट्रेट रखते हुए सिर्फ आपको ऐसे बेंड करना, सिर्फ आपकी जो पेट है उसको थाई पर टच कराइए, थोड़ा सा ऐसे यहाँ से बेंड करके आपकी पेट है ना उसको थाई पर लगाइए, हाथ को सीधे स्ट्रेच करो, अभी हाफ करके आपकी हेड को ऊपर कीजिए, यहाँ से रुक जाइए। जिनको बैक पेन है ऐसे बेंड करने का माना है, अगर कोई नहीं रहा है, आपकी जो अपर पार्ट है ना शोल्डर को स्ट्रेट रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बेंड करके से पकड़िए और हाथ को स्ट्रेच कीजिए, एक को है ना ऊपर स्ट्रेच करके रखिए, ऐसे फर्क पड़ता है ना आपको ऐसे जाने में और ऐसे जाने में, ऐसे रुकता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and very good, breathing in, go straight, sit up, breathe out, abhi dheere se dono haath niche kijiye, uski deep breathing, breathe out, phir bakrasan karenge, bakrasan back pain ki karne aur madad karta hai, jo naya hai beginner hai aapko thoda sa confusion hoga, abhi main aapko samjhate kaise karna hai, abhi right leg ke isko fold karke right foot ko left knee ke paas rakhiye, aise push nahi karna, phir jo pair aapne fold kiya उसी साइड हाथ की, तो विचार लेग इज फोल्ड है द सेम साइड, राइट लेग फोल्ड है सो दैट राइट हैंड इज बैक, ओके। अभी इजी मॉडिफाइड मेथड में बोलती हूं आपको, अभी लेफ्ट हैंड से
राइट नी को अभी लेफ्ट साइड पुश कीजिए, ट्राई टू पुश योर राइट नी टुवर्ड्स द लेफ्ट, पुश अप पुल टुवर्ड्स द लेफ्ट। अभी हेड को पीछे, आपकी टांग और हेड को पीछे की साइड पुश करके पीछे देखिए, हो सकता है तो आपको एल्बो यूज कर सकते हैं ऐसे, अगर इतना नहीं होता है तो सिर्फ आपकी हाथ से अपोजिट साइड राइट नी पुश करके आपके हेड को राइट की पीछे कर दीजिए। वेरी गुड, वन टू, पूरे हेड पीछे कीजिए, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वेरी गुड। ब्रीथ इन, हेड स्ट्रेट कीजिए पहले, इसके बाद में हाथ रिलैक्स कीजिए और पैर रिलैक्स कीजिए। अभी ऑपोजिट साइड, सेम ऑपोजिट से करेंगे, अभी आपकी लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट को राइट लेग के पास, अभी लेफ्ट हैंड बैक, ज्यादा पीछे नहीं करना, थोड़ा नजदीक घुसिए। अभी आपकी राइट हैंड से लेफ्ट की को आपकी राइट साइड पुश करके आपकी लेफ्ट से पीछे दे, जो हाथ पीछे है उसी साइड से पीछे दे, और जो हैंड इज बैक और हाथ को टर्न टुवर्ड्स बैक साइड, उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव, वेरी गुड, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ब्रीथ इन, कम स्ट्रेट स्ट्रेट हो जाइए, ब्रीथ आउट, रिलैक्स योर हैंड्स इन योर लेग। अभी कोई भी क्रॉस लेग पोज में आ जाइए, यू कैन कम इन एनी क्रॉस लेग, गुड। फिर गो फॉर पर्वतासन विद साइड लेग, बैक स्ट्रेट रखिए, पद्मासन भी हो सकते हैं तो पद्मासन रखिए, कुछ ब्रीथिंग इन, हाथ साइड से उठा के सर के ऊपर इंटरलॉक लगाइए, जैसा अब ब्रीथ छोड़ते हुए आपकी राइट से बेंड हो जाएगी, बेंड वर्स राइट, आपसे जितना होता है उतना बेंड। वेरी गुड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ब्रीथिंग इन, स्ट्रेट हो जाइए, आप ब्रीथ छोड़ते हुए अपोजिट साइड, वेरी गुड, पूरे आपकी जो साइड है ना यहाँ पे स्ट्रेस होने का, थ्री फोर एंड फाइव, वेरी गुड, ब्रीथिंग इन, स्ट्रेट हो जाए, ब्रीथ आउट, अभी हाथ साइड से नीचे करके पैर भी रिलैक्स कीजिए। अभी जानु शीर्षासन, इससे तो मॉडिफिकेशन करना है, जानु शीर्षासन करेंगे, पैर को साइड खोलकर आपकी लेफ्ट लेग के उसको ऐसे फोल्ड कीजिए, राइट को स्ट्रेट, पूरे बॉडी आपकी राइट साइड टर्न कीजिए, जैसे हम स्ट्रेट हैं आपकी बॉडी को ऐसे राइट साइड टर्न कीजिए। अभी जैसे हम पहले फॉरवर्ड बेंडिंग किया था ना, वही मॉडिफिकेशन, ब्रीथ इन करना, दोनों हाथ उठाना, अभी सिर्फ यहाँ पे बेंड कीजिए, स्पाइन को आगे स्ट्रेच कीजिए, पकड़ सकते तो पकड़िए, हाथ को सामने स्ट्रेच करके हेड को थोड़ा सा ऊपर की साइड बेंड करके ऐसे, अगर इसमें है ना आपको स्ट्रैप, योगा स्ट्रैप या दुपट्टा है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं बैक पेन के लिए, बॉडी पे करने के टाइम किसते, अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आप पूरे भी कर सकते हैं अभी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ब्रीथिंग इन, धीरे से स्ट्रेट हो जाइए, ब्रीथ आउट, हाथ नीचे करके अभी साइड चेंज कर दीजिए, आप लेफ्ट स्ट्रेट करके राइट को दीजिए, अभी पूरे सेट होने के बाद में आपकी बॉडी आपकी लेफ्ट साइड टर्न कीजिए, ब्रीथ इन, हैंड्स को आप कीजिए, अब ब्रीथ आउट, ध्यान से ब्रीथ करना, आपकी पेट टाइट से टच होने के तक आप जितना हो सकते हैं उतना, और उसके हेड को थोड़ा अपको स्ट्रेच करके, जो हेड को आप करके स्पाइन को एकदम अच्छे से अपको स्ट्रेच करके, वन जो आपकी बैक है उसको नीचे खींचना, हेड को ऐसे फॉरवर्ड आपको खींचना, टू थ्री फोर फाइव सेवन, ब्रीथिंग इन, स्ट्रेट हो जाइए, ब्रीथ आउट, हैंड्स डाउन, अभी लास्ट वन, दोनों पैर, अभी ये वाला तो बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस पैटर्न वालों के लिए, ये वाला कुछ क्या कैसे करना है, पैर को साइड कर दीजिए, ब्रीथ इन, हैंड्स डाउन, अभी ब्रीथ आउट, ऐसे ऐसे आपकी कमर से थोड़ा सा बेंड करना और हेड को ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेच करना, हाथ आपको यहाँ से जाता है तो चलेगा, अगर यहाँ पे पकड़िए, अदरवाइज आगे नीचे रखिए, प्रेस करके हेड को ऊपर बेंड कीजिए, हाफ बेंड में कीजिए, वेरी गुड, वन वेल डन, टू थ्री फोर एंड